हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक्स ऑफ दिस टॉपिक लाइक व्हाट आर द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स विच वी यूज टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन लिक्विड इज एसिड्स और बेस एंड एट लास्ट we are going to discuss about some chemical properties of acids and base, like how the acids react with metals and how the base reacts with metal. So these are the topics which we are going to cover. So let's start. I think in class 8 you have already studied the basics of acids ki kya hote hain acids. Generally acids are sour in taste. Ye to humne padha hai ki jo sour taste hota hai wo acid ki wajah se hota hai. So they give sour taste, hai na? Par bahut इम्पॉर्टेंट जो डिफिनेशन एसिड की है वो हम देखेंगे. यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है एसिड्स आर डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर. ओके, सो एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स इन वाटर. ठीक है, अगर आप किसी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस करता है. कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एसिड. ठीक है, तो आप देखेंगे H2SO4 में भी हाइड्रोजन है, HCl में भी हाइड्रोजन आयन है. सो इसलिए जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन्स होते हैं. दे गिव सावर टेस्ट एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. जो ब्लू लिटमस पेपर आता है उसको एसिड कौन से कलर में चेंज कर देते हैं? रेड कलर में. ठीक है, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करते हो तो उसका कलर रेड कलर में चेंज हो जाता है. सो ये कन्फर्मेशन टेस्ट होता है कि अगर जो गिवन लिक्विड है वो एसिड है कि नहीं है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड. एक होता है नेचुरल एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स. तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि नेचुरल एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी नेचुरल सोर्सेज. ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, वहां से हमको जो एसिड मिलता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड्स. उसी को ऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं. तो चलो इसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नेचुरल एसिड्स के. पहला है सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड जो एक ऑर्गेनिक एसिड है, इट कैन बी फाउंड इन ऑरेंज एंड लेमन, और जो आप मौसम्बी खाते हो वो सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है. इसलिए इनको सिट्रस फूड भी बोलते हैं, फ्रूट्स भी बोलते हैं. ओके, ऑरेंज और लेमन को सिट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड होता है. टैमरिंड्स और ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है. ठीक है, टैमरिंड्स मीन्स इमली. कर्ड और सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है. टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड होता है. केचप विनेगर में एसिटिक एसिड होता है. और जो एंड बाइट होता है या एंड स्टिंग है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है. ओके, आप देखोगे जब भी आपको एंड बाइट करता है आपको खुजली होने लगती है, ईचिंग होती है वहां पर, है ना? क्यों ऐसा होता है कि जब एंट जब है बाइट करता है तो वो वहां पर एक एसिड छोड़ देता है. जो कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड. तो एग्जाम्स में कभी कभी आ भी जाता है कि लाइक टोमेटोज में कौन सा एसिड होता है ना, ऑरेंज लेमन में कौन सा एसिड होता है, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ एसिड इज मिनरल एसिड्स. तो मिनरल एसिड को मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं, सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम मिनरल्स. ठीक है, एग्जाम्पल है इसके, आप देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स. हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका एग्जाम्पल है मिनरल एसिड का. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, दे आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3. सो दे आर मिनरल एसिड्स, या सिंथेटिक एसिड भी बोल सकते हो. तो आपको ये फॉर्मूला और उसका नाम याद होना चाहिए. HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड. क्लास 9 में मैंने आपको पूरी एक लिस्ट दे रखी थी, तो यू शुड रिमेम्बर दैट कॉमन नेम ऑफ दी सम सब्सटेंसेज एंड देयर फॉर्मूलाज. ओके, अब हम पढ़ते हैं एसिड. तो हमने पढ़ लिया कि एसिड दे आर सावर इन टेस्ट एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर. बेसिस क्या होते हैं? बेस जो होते हैं दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मतलब वाटर में उसका सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो. ठीक है, तो बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH आयन्स. ठीक है, एंड दे आर बिटर इन टेस्ट. जैसे कि अपने हम पढ़ा था एसिड्स आर सावर, द बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड दे फील सोपी ऑन टच.
सोपी फील होता है. और क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा था, बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है. तो कौन कौन से सब्सटेंस में यू कैन फाइंड द बेस, सोप है, डिटर्जेंट्स है, वाइट वॉश है, इन सब में बेस होते हैं. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग बेस के. सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो आप देखोगे सब में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है ना, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए. तो बेस में क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है. सो बेसिस आर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन. सो ये कुछ बेस हैं और उसकी प्रॉपर्टीज हैं. अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, तो लिख लेंगे ना. एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन इन वाटर, जबकि बेस प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर. एसिड क्या करते हैं, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना. एसिड दे आर सावर इन टेस्ट, जबकि बेस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट. तो ये सब कुछ एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस हैं एसिड और बेस के. उसके बाद आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड्स आर एग्जांपल ऑफ एसिड्स, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल ऑफ बेस. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस. नाउ एल्कली क्या होते हैं, सो देखते हैं. एल्कली, मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, बट सम बेसिस डिजोल्व इन वाटर. सो अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली. ठीक है, ऐसे बेस जिसको आप वाटर में डालो तो वो उसमें घुल जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं. सो एल्कली कुछ नहीं है, बेस ही होता है. ओके, एल्कली बेस ही होता है जो वाटर सॉल्युबल है. ठीक है, जो भी बेस जिसको आप पानी में घोल सकते हो, दैट इज एल्कली. सो एल्कलीज आर नथिंग बट अ बेस विच आर वाटर सोल्यूबल. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक पोटाश. ठीक है, सोल्यूबल बेसिस आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्यूबल बेसिस. जो सोल्यूबल बेसिस होते हैं, जो एल्कलीज होते हैं, दे आर मच यूजफुल देन द इनसॉल्यूबल बेसिस. तो सोल्यूबल बेसिस जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एल्कली. सो एल्कलीज आर बेसिस विच आर वाटर सोल्यूबल. ओके, नाउ एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है. तो देर आर सब सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंज इन कलर. ओके, ये चेंज अपना कलर चेंज करके बताते हैं, शो करते हैं कि जो जो सब्सटेंस आपको दिया गया है, जो लिक्विड आपको दिया गया है, वो एसिड है कि बेस है. ठीक है, जैसे आपको दो सॉल्यूशन दे दिए, दोनों का नाम नहीं पता आपको, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, आपको पता करना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस. तो आप चखोगे तो नहीं कि अरे ये सावर है ये बिटर है ना, क्योंकि डेंजरस होते हैं एसिड भी, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, दे ऑल डेंजरस टू अस. तो हम उसको टच करके, मतलब उसको इस तरीके से टेस्ट करके तो देखेंगे. तो कैसे पता चलेगा कि जो लिक्विड है हमको दिया हुआ है, दोनों दिखने पर तो एक जैसे दिखेंगे ट्रांसपेरेंट से, है ना, कैसे पता चलेगा कि एसिड है बेस. तो हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करते हैं जो हमको ये बताते हैं कि लिक्विड जो है एसिड है कि बेस है. तो बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसके बारे में हम चैप्टर के थर्ड फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे. अभी फिलहाल हम नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी की बात करते हैं. सो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं वो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. इसके एग्जांपल हैं लिटमस और टर्मरिक. ठीक है, सो लिटमस पेपर बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है टू शो द एसिडिक एंड बेसिक बिहेव कैरेक्टर ऑफ सब्सटेंस. सो लिटमस जो है ये लाइकन से मिलता है. लाइकन कुछ नहीं, एक फंगस होता है, वहाँ से हम लिटमस बनाते हैं. लिटमस दो टाइप का होता है, एक सॉल्यूशन में आता है और एक पेपर में, है ना. तो जो सॉल्यूशन वाला लिटमस है वो पर्पल कलर का होता है. ठीक है, कलर इसका क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लिटमस का पर्पल कलर. बट जब आप एसिड लोगे और एसिड में वो लिटमस सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा. ठीक है, और जब अगर लिटमस सॉल्यूशन जो है उसको अगर आप बेस में डालते हो तो वो ब्लू कलर का हो जाता है.
तो इस तरीके से वो कलर चेंज करके बता देते हैं कि जो लिक्विड है वो एसिड है कि बेस है। अगर लिटमस सॉल्यूशन को एसिड में डाल दो तो वो रेड कलर हो जाएगा, लिटमस सॉल्यूशन को बेस में डाल दो तो वो ब्लू कलर हो जाएगा। ठीक है, और लिटमस जो है वो लिटमस पेपर भी होता है जो दो कलर में आता है, ब्लू कलर और रेड कलर। तो यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है ये जो ब्लू कलर का लिटमस है, इसको आपने एसिड में डाला, तो देखो जितना पार्ट एसिड में डाला है वो कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। वैसे अगर एल्कली मीन्स मैंने बताया ना बेस है ना, तो ये बेस है हमारा, बेस में हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया तो वो जितना डिप किया वो कितने कलर का हो गया, ब्लू कलर का। तो देखो एसिड क्या कर रहा है, ब्लू को रेड में टर्न कर रहा है, और एल्कली या बेस जो है वो क्या कर रहा है, रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है। पर अगर आप बेस में सॉरी एसिड में ये रेड कलर का अगर लिटमस पेपर डालते हो तो कोई भी चेंज नहीं होता है, वैसे ही बेस में अगर आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कर देते हैं और एल्कली जो है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह कलर चेंज करके बताते हैं कि जो लिक्विड है वो एसिड है कि बेस है। फिर टर्मरिक देखते हैं। जब आपने घर में देखा होगा कि अगर आपके कपड़े में कभी दाग लग जाता है हल्दी का, उसमें अगर आप साबुन लगाते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो डिटर्जेंट है, ओके, जो डिटर्जेंट यूज करते हैं हम घर में, उसमें क्या मिला होता है, बेस रहता है। तो जो ये हल्दी है, ये टर्मरिक है, जब बेस के साथ आता है कॉन्टैक्ट में तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, बट एसिड के साथ उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। अब आप देख ही लो, आपने कढ़ी बनती होगी घर में, तो दही में जब हम हल्दी डालते हैं तो हल्दी का कलर येलो का येलो ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो टर्मरिक है वो एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है। हमको पता है कि घर जो कर्ड है, कर्ड में क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। तो लैक्टिक एसिड है उसमें, उसके बाद भी आप उसमें टर्मरिक डालते हो तो कलर चेंज नहीं होता है, मतलब टर्मरिक एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करता है। पर वही डिटर्जेंट में जब हम से धोते हैं कपड़े को, जहां पर हल्दी का दाग है वो रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि डिटर्जेंट में क्या होता है, बेस। तो टर्मरिक सॉल्यूशन जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है बेस के साथ में। ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर है नेचुरल। अच्छा, तो बहुत सारे हैं, चाइना रोज भी है जो हम 8th में पढ़ते थे, चाइना रोज इंडिकेटर भी यूज होता है। ठीक, नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स दे आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। ओके, सो इसके एग्जाम्पल है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ओके, सो मिथाइल ऑरेंज नाम से ही लग रहा है कि ये ऑरेंज कलर का क्या होगा, सब्सटेंस होगा। तो देखो यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि मिथाइल ऑरेंज का एक छोटा सा बॉटल है जिस ऑरेंज कलर का है ये मिथाइल ऑरेंज। अब हमारे पास दो लिक्विड है, एक HCl है एक NaOH है। जब इस मिथाइल ऑरेंज को आप HCl में डालते हो तो ये ऑरेंज कलर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। जब आप NaOH में इसी सेम मिथाइल ऑरेंज को डालते हो तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो हमको पता इससे चलता है कि एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाता है और बेस के साथ येलो कलर का हो जाता है, जिससे ये इंडिकेट करता है कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन एक अलग इंडिकेटर है। आप देखोगे ये कलरलेस सॉल्यूशन है, सो कोई कलर नहीं होता है। जब आप इस फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को एसिड में डालोगे तो एसिड का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम एज इट इज रहेगा, वो ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। बट जब आप इसी फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को एल्कली में डालते हो, NaOH है कोई भी एक एल्कली में डालते हो, तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करके बताते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन में हमको हेल्प करते हैं। ओके, अगला है ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्ट्री मीन्स इट इज रिलेटेड टू स्मेल, मतलब ये जो सब्सटेंस होते हैं ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपना स्मेल चेंज कर देते हैं जब आप उनको एसिड या बेस के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इस सब्सटेंस का स्मेल चेंज हो जाता है व्हेन यू मिक्स दिस सब्सटेंस विद एसिड और बेस। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, अनियन है, वनीला है, क्लव है। तो अनियन क्या करता है, अनियन जो है, अनियन जूस ऑफ अनियन और पेस्ट ऑफ अनियन, आपको पता है कि अनियन की बहुत ही एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, अलग सी स्मेल होती है उसकी अनियन की। तो जब अनियन
में हम बेस ऐड करते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, वो जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। इट डज़ नॉट चेंज इट्स स्मेल विथ एसिड, बट एसिड के साथ उसकी स्मेल चेंज नहीं होती। सेम वनीला भी ऐसा है, स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेज विथ बेस बट स्मेल डज नॉट वैनिशेज विथ एन एसिड। तो इस तरीके से ये अपना स्मेल लॉस करके बताते हैं कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, ठीक है। सो दीज आर अबाउट द इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। सो सॉल्ट्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जनरली सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो उनके रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब ये सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस जो है कंबाइन होके वो सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जो हम सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्ट क्या है, और सोडियम क्लोराइड है, जिसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो कौन कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलकर बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जिसको NaCl बोलते हैं। और भी उसके एग्जांपल है एसिड के, KCl है, ZnSO4 है, ZnCl2 है, MgCl2 है, Al2SO4 थ्राइज है, NH4Cl है। अब देखोगे इसमें किसी भी सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, तो सॉल्ट में हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, ठीक है। सो NaCl, KCl, ZnSO4, ZnCl2, दीज ऑल आर सॉल्ट। सॉल्ट में जनरली क्या होता है, एक जो होता है मेटल होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल। जैसे NaCl, Na क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। KCl में पोटेशियम इज अ मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। जिंक मेटल, SO4 में दोनों ही क्या है, नॉन मेटल। तो एक जो आयन है ये कैटायन है, सॉरी एनायन है और ये कैटायन है। तो एक जो है पॉजिटिव जो है वो हमेशा मेटल रहेगा और जो नेगेटिव रहेगा वो हमेशा नॉन मेटल रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है सॉल्ट में हमेशा। तो ये हो गया सॉल्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें इस वीडियो में हम एक ही प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड की, कि जो एसिड है मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। सो मेटल और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मेटल मैंने लिया यहाँ पर जिंक, एसिड लिया मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ZnCl2 सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, मेटल और ये एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। सो हियर दिस इज सॉल्ट, दिस इज हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे बहुत सारे मेटल्स और एसिड को लेके बना सकते हैं कॉम्बिनेशन करके, जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में HCl और HCl ही लिया है। आप H2SO4 लेके भी सेम रिएक्शन करा सकते हैं, अलग अलग मेटल ले सकते हैं। मैंने यहाँ जिंक लिया है, मैग्नीशियम लिया, एल्यूमिनियम, आप सोडियम ले सकते हैं, पोटेशियम ले सकते हैं और भी बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का ये डिमॉन्स्ट्रेशन है, ठीक है। कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे कि जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक। तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए सेटअप है, क्या करते हैं हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ओके। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया है, जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4, ठीक है। अब जिंक ग्रेन्यूल्स और H2SO4 दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ZnSO4 जो एक्वस है। एक्वस है मतलब वो इसी सॉल्यूशन में ही रहेगा, और हाइड्रोजन गैस है, गैस है तो क्या होगा, गैस जो है आपको पता है वो यहाँ से जो है निकल के इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से निकल के यहाँ पर पहुंचेगी, जो क्या है, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। सोप सॉल्यूशन में पहुंच के ये जो गैस की टेंडेंसी है कि वो यहाँ से स्केप करना चाहेगी सॉल्यूशन से, पर क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, सोप बबल्स के साथ क्या इस तरीके से बाहर आ जाएगी, सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये जो सोप बबल्स है उसके पास अगर आप कोई बर्निंग कैंडल लाते हैं तो वो जो है
पॉप साउंड के साथ जो है वो बर्न होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही है जो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, बर्न होता है। इसके अलावा कोई भी गैस जो है पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकल रही है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, इसलिए हमको पता चलता है कि जब मेटल्स और एसिड रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, कैसे पता चला? यहाँ से जो बबल्स निकल रहे हैं गैसेस के, उसमें हमने कैंडल लाया, कैंडल लाने से जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हुआ, जिससे पता चला कि यहाँ से जो गैस निकल रही है इसके रिएक्शन से वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में आता है कि कैसे आप फाइंड करेंगे कि जो गैस निकलती है मेटल्स और एसिड के वो हाइड्रोजन गैस है, तो आपको ये पूरा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम टेस्ट कर रहे हैं कि जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस डायग्राम के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स। सो जो मेटल्स हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज मतलब ऐसे बेस जो वाटर सॉल्यूबल हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ ही रिएक्ट करते हैं। जो मेटल्स हैं वो एल्कलीज के साथ ही रिएक्ट करते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक पोटाश होता है, और इसके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करें और क्या बनाए, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, मेटल लिया है एल्यूमिनियम, बेस कौन सा लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पर मैंने दूसरा मेटल लिया जिंक, और वहाँ उसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक। सो मेटल्स और बेस भी रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो आपको ये पूरा नोट्स अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और अब इसके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन में ये रिएक्शन भी आता है ना, कैसे आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम, है ना, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ओके, तो ये आपको पूरा लिखना है और उसके साथ ये केमिकल रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं टेंथ में, रिएक्शन लिखने, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। अभी हमने पढ़ा जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो आपको ये सारे रिएक्शंस भी लर्न करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि सारे रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न करने हैं और बार बार लिख के देखना है कि कैसा होता है, प्रैक्टिस करनी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम और भी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस पढ़ेंगे। थैंक यू।